Good afternoon, everybody. Today, हमारा जो टॉक है नी पेन, राइट ना? नी है ना? बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी. अभी देखा जाए तो दर्द जो होता है तो इंसान उसके लिए क्या क्या नहीं करता है. और कई ऐसे भी भाग्यशाली होते हैं जिसको राइट टाइम के राइट एडवाइस मिल जाती है तो सर्जरी भी निकल जाती है. और ऐसा नहीं है कि सर्जरी सक्सेस नहीं है, सर्जरी भी सक्सेस है. विदाउट सर्जरी से भी आप चल सकते हो, सर्जरी भी ज़रूरी है. तो आप किसी के ऊपर भी ऐसे नहीं बोल सकते कि वो रॉन्ग है कि ये राइट है. ईच एंड एवरी राइट अपने हिसाब से, सब लोग सही है. ऐसा बोला जाए तो 1976 से मैं ये लाइन के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मैं पहले बॉन सेटर, फिर नेचुरोपैथी सीखा और उसके साथ साथ कई सारी थियरी सीखा, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ये वो कई सारी. इस दौरान बाद में 80 से तो मैं काफ़ी सारे सेमिनार, तो आप समझो ना कि साल में कम से कम 25-30 सेमिनार करता होऊंगा. कई रोटरी क्लब, कई सोसाइटियाँ, कई महिला मंडल और कई जगह पे ऊपर इतनी जगह पे सेमिनार किया है. इवन ऑल्सो मैं टोटल इंडिया, ईच एंड एवरी पार्ट मीन्स स्टेट का वो जाके आया हूँ. वहाँ भी इतना ही किया. काठमांडू नेपाल में काफ़ी टाइम रहा, वहाँ भी इतना ही किया. इसके पीछे इस नॉर्थ ईस्ट पूरा, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी टाइम गुवाहाटी रहा, वहाँ भी इतना ही किया. इसके अलावा एब्रॉड में हांगकांग जाके आया, वहाँ भी यही था. तो कई जगह हम देखते हैं कि कई लोगों की घुटनों की सर्जरी के पीछे वो आनंद से जीवन जीते हैं, दर्द से मुक्ति होके. और कई लोग बेचारे उसमें से ऐसे भी होते हैं कि सर्जरी करा के भी दुखी हो जाते हैं. तो आप ये नहीं कह नहीं सकते कि सर्जरी नॉट सक्सेस, कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन जो ये है ये नॉट सक्सेस. ईच एंड एवरी केसेस इज द टोटल फॉर, मैंने इतने सालों में देखा है डिफरेंट. ईच एंड एवरी जो लोगों को मैं एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ वो टोटल फॉर डिफरेंट आती है. पहले एक 50% जैसा थोड़ा सा कॉमन रहती है वो रहता है, उसके बाद में एक एक पर्सन टू पर्सन, और जब भी आते हैं तभी उसका एंगल के हिसाब से कहाँ से है और कैसे ओपन किया जाए उसके ऊपर ये सारी थियरी मैंने कई सालों के एक्सपीरियंस, अनलिमिटेड पेशेंट्स सबको देखने के बाद मैंने ये निकाली है. तो इतने सारे केसेस देख के बाद में कई लोगों को हम सामने से सर्जरी में पेशेंट को भेज देते हैं और हैप्पी होके चल जाता है. और कई लोगों को बोलते हैं कि भाई तेरे को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ये बेटर होएगा, फिर कराए हैं तो भी दुखी हुए हैं. और कई लोगों को हमने भेजा है सामने से तो बोलते हैं साहब अच्छा हो गया, हमें तो सर्जरी नहीं कराने वाला है. तो इसके अंदर जब आपकी सारी सिस्टम पूरे मसल्स के ऊपर है, हमारा जो शरीर है उसमें भगवान में हार्ट पिंजर है, उसमें सारी हड्डियाँ अलग अलग है और उसको जोड़ने का काम मसल्स करती है. तो दो बोन के बीच में एक गादी जैसी रहती है, जैसा वो डैमेज हो जाती है, वीक हो जाती है, गादी जो रहती है स्पंज के माफिक रहती है, उसके नीचे से सारी नर्व्स वेन सब पास होती है. जैसे वो वीक हो जाती है, दब जाती है, तो पार्ट में सूजन आता है घुटनों का है, तो वैसा ही. तो उसके बाद में जो लोड ऊपर वेट आने की वजह से ये दर्द शुरू होता है. अभी सब लोग, कई लोग मुझे बोलते हैं कि घुटनों के दर्द के लिए वजन बढ़ गया
इसके लिए दर्द होता है. सही है, मैं रॉन्ग तो नहीं बोल सकता हूँ. पर आप जो वजन की जो बात कर रहे हैं, मैंने कई यूरोपियन ये सब लोगों को देखता हूँ तो कोई भी 100 के तो नीचे है ही नहीं. यूरोपियन प्रजा काफ़ी, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कई लोगों को देखता हूँ तो कोई भी 100 के नीचे नहीं है साइज वाइज. तो इंडियन के हिसाब से तो हमारा काफ़ी ज़्यादा उनका वेट है, 25-30 किलो, फिर भी उनको घुटनों की तकलीफ नहीं है. चल तो सारी थियरी अब देखा जाए तो मसल्स के ऊपर है. अभी मसल्स जो हैं वो कैसे कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, तो हमारी जो लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली है. अभी जो पोस्टमैन है उसको अनलिमिटेड चढ़ना पड़ने का है तो उसके हिसाब से घसारा होता है पार का, इसके लिए उसको दर्द रहता है. और कई लोग जो हैं जिनको दादरा चढ़ना नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, तो उनको पैर उठाते हैं मसल्स, गाड़ी में बैठते हैं उसके बाद है. अभी जो एथलीट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनको भी घुटनों की तकलीफ होती है, तो उनका हो जाता है जब ये सब छूट जाती है उनकी गेम सब, उसके बाद ये मसल्स उनका ये जो है बहुत एकदम बड़ा हो जाता है, इधर बड़ा हो जाता है और घुटनों को स्पेस कम हो जाती है इधर, इसके लिए उनको पेन होता है. तो अगर ये स्पोर्ट्समैन है और अगर सर्जरी कराया तो 100% सक्सेस. स्पोर्ट्समैन को सर्जरी 100% सक्सेस, क्यों कि अभी ये वेट उतरने वाला नहीं है, इधर से उतरने वाला नहीं है और काफ़ी टाइम टाइम. जैसे प्रत्येक व्यक्ति वेट उतारना चाहता है तो बेसिकली वेट उतरता नहीं है, शरीर में से पानी निकलता है, उससे थाइस के और हिप्स के मसल्स काफ़ी ढीले हो जाते हैं स्टमक. तो दर्द सो के उठेगा तो दर्द कम होएगा, चलेगा तो और ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा. जैसे हम लेडीज के केस में देखें सर्जरी में, तो 10 में से 5 एकदम सक्सेस होकर जलसे से एकदम चलेगी और 5 वैसे भी रह जाएंगी. वहाँ से दर्द उसका चला गया मगर उसकी जो चलने की स्पीड है और कम हो जाएगी. तो उसका रीजन देखा जाए तो उसका मसल्स. अच्छा, सारी थियोरी हम जो देख रहे हैं, मसल्स क्या है क्या नहीं है, कैसे काम करता है क्या नहीं है, तो ये सब बड़े डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक हैं, उनके समझाने का सब्जेक्ट है मगर उनके पास टाइम है नहीं इतना टाइम. और हम किसको अगर बोलें तो हमारा भी कोई सुनने को तैयार नहीं है. हम जैसे बोलेंगे कि बा मसल ढीला थे या नबड़ा पड़े तो कैसे, ये दूसरे पैर का नहीं हुआ. सामने से जवाब दे देंगे. कभी जितने भी मेरे पास कभी अनलिमिटेड लोग आते हैं कि वेट उतार उतार के उतार के, तो उसको बोलते हैं कि और ज़्यादा दुखी होएगा. तो घुटना तो ठीक है आपका था और ऊपर से कमर आ जाती है उनकी. तो वेट उतारना चाहिए, वो भी खा पी के उतारना चाहिए. खा पी के मीन्स क्या है कि आपको शरीर में पहले देखा जाए तो हमारे शरीर को जो ऑयल है उसकी मात्रा लेस कर देनी चाहिए. तो हमारे को सारा दिन में मिला के जो लुब्रिकेट के तरीके से जाइए तो 15 से 20 ग्राम इज द इनफ हो जाता है ऑयल. फिर सारा दिन का उसके अंदर आप एक सैंडविच खा लिया तो 1-15 ग्राम बटर हो जाता है. फिर सारा दिन आप ऑयल लिया तो एक्स्ट्रा है. जितना ज़्यादा ऑयल और लेंगे मसल्स वीक होएगा क्योंकि शरीर में कफ बनेगा और एक कफ निकालने के लिए आपके पास ताकत नहीं है लेबर जॉब करने की. तो यही आपका मसल ढीला करता है, एसिड बढ़ता है एसिड से. तो आज का हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम आपका नाम सर रायसी भाई शाह, एज ऑफ 84. पहले हम इनका एक्सपीरियंस देते हैं फिर उनका ट्रीटमेंट दिखाते हैं, उसके बाद हम शुरू करते जाएं.
और अगर इसके अंदर आपको घुटना कैसा है क्या नहीं है, क्या कैसी है सर्जरी है, अभी मैं समझाऊंगा आपको, उससे मेरे से मच बेटर आप गूगल्स में जाओगे, नी पेन टाइप करके देखोगे तो अनलिमिटेड उसकी इमेज है, ये है वो है। अभी जो यहाँ जो एक्सरसाइज दिखाया जाता है वो कॉमन एक एक्सरसाइज है, और वो एक्सरसाइज से मैं इतने सारे सेमिनार करे किया है, कई सारे लोग 10 में से चार पाँच जन इजीली निकल जाते हैं। और कोई भी आदमी बोल लेता है मुझे 60, 70, 70%, 80%, बाकी तो सम एज है वो हिसाब से रहते हैं, पर आज भी 12-15 साल पहले एक्सरसाइजें दिखाई है चल रहे हैं लोग, उनको आज भी कंप्लेंट नहीं है कि मुझे घुटना या कमर का दर्द हुआ है। पर सर्टन एज के बाद आपको शरीर को कम से कम 1.25 घंटा देना बहुत ज़रूरी है। 1.25 घंटे से 1 घंटा बोले तो रेस्ट दे रहे हैं हम, वो नहीं, आप सब बाजू से वार्म अप है, एक्सरसाइज है, सब एंगल से पैरों को हाथों को धीरे धीरे से सपोर्ट से इससे, और एक्सपीरियंस पर्सन के हिसाब से आप देखा जाए लिए तो आप आज भी देख रहे हैं। अभी ये 84 का बोले, मेरे 2 से 3 पेशेंट है आज एज ऑफ 86 जो मैं कई बार उनके पास जाता हूँ, मसल स्पाजम हो गया, तो आज भी वो लोग गोल्फ खेल रहे हैं 86-87 हो गया। तो ऐसे भी नहीं है कि बड़ी एज हो गया, प्रत्येक आदमी का एक सब्जेक्ट है कि कैसे ज़िंदगी हैंडल किया जाए, जाना जाए आज के तारीख में। तो अभी जाओ ना बाबा, मेरा नाम रायशीशा है, मेरा एज है 84। अभी इनके पास 2-3 महीने पहले से ये एक्सरसाइज कर रहे थे, वो हिसाब से मैंने कर रहा था, इससे पहले मैं डॉक्टरों के भी बताया था, तो बोले घुटनों में घसारा है, बोले तो ये है लीजन है, तो आपको ऑपरेशन करा के नी पेन बदल दो तो आपको चलने फिरने में ठीक रहेगा, बैठने में ठीक रहेगा वगैरह ऐसे बताए। लेकिन मैं थोड़ा सोचा कोई अल्टरनेटिव रहे तो अच्छा रहता है, तो वो ये सब से कुदरती मैं ये लाइब्रेरी को यहाँ फ्री आ रहा था, इनका सेशन था, उसमें इन्होंने मेरे को बताया कि सबको यू कैन वो एक्सरसाइज बताएं सब, तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। यहाँ इतना शुरू में फर्क नहीं पड़ रहा, घर पर जो 2-3 महीना करने के बाद धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगा, अभी मेरे को चलने में भी अच्छा है और ये बदलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब 1.5 किलोमीटर चल सकते हो, चलने में कितना चल सकते हो? बस ऐसा यहाँ वो एक किलोमीटर जाके 1 किलोमीटर आ सकता हूँ। हाँ, पाँच मैं तो दादरा भी एक आध दफ़े 7 माला भी चढ़ा हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली 5 माला चढ़ाया है, इनके साथ भी गया था। यह अपना लाइब्रेरी का जो 5 माला है वो लिफ्ट बंद होने के बाद हम दोनों ने मिल के चढ़े थे, इनका तो बराबर थे, पर मेरे को उनको डाउट था कि चढ़ेंगे कि नहीं ले, तो मैंने अटेम्प्ट किया बराबर, मेरे को आराम से आ गए मैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज करने से मेरे को थोड़ा फायदा हुआ है, सिक्सटी फाइव परसेंट सारा है। अच्छा अच्छा है, तो आपका एडवाइस क्या है सब लोगों के लिए? मेरे को लगता है कि सबको अटेम्प्ट करना चाहिए, ये जो नी पेन का वगैरह है अटेम्प्ट कर, 2-3 महीने करने के बाद अगर कुछ कंप्लेंट है फिर भी, इनका हर महीने कैंप रहता है इधर,
हर महीने में एक बार यहाँ सेमिनार रहता है, तो आके बताएंगे। आयो आप आके बता सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, कुछ चेंज ओवर करना है तो यू विल सजेस्ट क्या है। Thank you, sir. Thank you, sir. All the best to you. अभी हम इनकी एक्सरसाइज सेक्शन शुरू करते हैं। दरअसल बताइए, आज मजल करेंगे। अभी आप पहले चेयर ले लीजिए, ऊंचा कोई चीज है, टूल है, टूल मिलेगा चेयर आस्ते आस्ते घुटना हाँ हाँ घुटना आस्ते आस्ते करके झुकते जाइए आस्ते आस्ते हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा हेलो थोड़ा आगे ले ले हाँ हाँ आइए धीरे धीरे हाँ झुकने के हाँ छोड़ो छोड़ो एक मिनट जरा दो कुर्सी साथ में करो नहीं तो दो 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 तीन ले लो तीन लगेगा हाँ लाओ इसके ऊपर रखते आस्ते आप हाँ लूज करते जाओ दोनों फिर आप ऐसे आ जाओ ये घूम जाइए हाँ क्या होता है आपको मेरे को ये इधर पेन होता है बस बस दो ही जगह और कुछ और फिर चलने में तो तकलीफ है और वो सब फिर इधर खींचता है फिर क्या क्या किया आपने मैं भी एक्सरसाइज करती हूँ क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं मैं ऐसा करती हूँ हाँ और दूसरा फिर मैं आई गो हाँ फ्लैट ऑन द ग्राउंड राइट एंड आई रेज माय लेग हाँ उससे आराम मिलता है अभी एक गोली खा लेती हूँ कौन सी गोली खाते हो लैंको एलोपैथी हाँ एलोपैथी अच्छा ठीक है और एक्सरसाइज करती हूँ हाँ कितने सालों से दर्द है बहुत साल हो गया मेरे को अभी गिनती नहीं मालूम है कितना अंदाज़ है 10 मंथ अभी नाउ हाउ मेनी ईयर ओल्ड 62 अभी मैं इनको चलाता हूँ आप चल के आइए कितना बार दर्द है पहले चल के बराबर आप देखिए कितना दर्द है क्या है आपका डोंट थिंक अबाउट इट जस्ट वॉक चल के आइए अभी ऐसे उठा के एकदम अब चलिए नीचे से हाँ पूरा उठाओ और उठाओ पूरा उठा हाँ अभी चलिए कितना घुटना फ्री हुआ थोड़ा बहुत लग रहा है खड़े ये देखिए अभी घुटना देखो काफी फ्री आइए अभी आप कितनी भी एक्सरसाइज करो एक एक सेकंड एक सेकंड हाँ चलिए कितना फ्री घुटना काफी नहीं इसमें नहीं हाँ आया पहले हाँ आइए अभी इनका घुटनों का अभी आपने देखा मैंने स्टमक ऊपर किया तो इनका घुटना काफ़ी फ्री हुआ तो बेसिकली क्या होता है इनका स्टमक के मसल्स है वो काफ़ी लूज हो गए हैं इसके लिए उसके नीचे से जो नर्व्स है नर्व्स जो जा रही है वो जैसे नर्व्स वहाँ से जा रही है उसके ऊपर प्रेस आ रही है उसके हिसाब से उनको घुटना दर्द होता है और सेकंड इनके मसल्स है ये काफ़ी ढीले है ये रात को इधर खाली चढ़ती है जलन बलन कुछ होता है पैर में नम कुछ किया रात को कुछ तकलीफ कुछ भी नहीं सुबह उठते आकड़ के लकड़े के जैसा सुबह में जरा ऐसा ऐसा उठने में तकलीफ होता है बट मैं मोजा पहनती हूँ जस्ट टू कीप मायसेल्फ वार्म थोड़ा पैर रखो बेंडिंग करके पीछे हाथ पे ऐसे हाँ पीछे से बेंडिंग कराओ और घिसो जरा मैं ओम विलोम भी करती वो आप करिए उसको कुछ नहीं इसे घुटनों से कोई लेना देना नहीं उसको घुटना ये स्टमक का मसल्स है जितना आपका टाइट होएगा तो ही होएगा
अदरवाइज घुटने का पेन नहीं जाएगा. स्टमक का मसल्स कैसे ट्रेन करें? पहले आप क्या क्या खाते हो? I eat two chapatis. नहीं, सुबह मॉर्निंग में उठ के कितने बजे उठते हो? अच्छा, ब्रेकफास्ट. चाय कितने बजे उठते? कितने बजे हो? 6 बजे. और चाय कितने बजे पीते हो? पहले उठ के थोड़ा चाय पी लेते. कितने बजे? 6:30. अच्छा, ठीक है. हाँ, फिर देन आई अबाउट 8 बजे वापस थोड़ा चाय पीती हूँ. हाँ, और 2 चपाती. अच्छा, फिर कुछ जिस पे भूख लगेगी तो आई टेक वन प्लांटेन और समथिंग. फिर लंच, लंच 2 चपाती और भाजी और राइस, और राइस के साथ कुछ होगा. फिर रात को भी ऐसा ही. नींद कितना घंटा? नींद अभी कभी नहीं आएगा तो फिर फुल गया तो फिर 6-7 घंटे. अच्छा, और कोई मेडिसिन? ब्लड प्रेशर, शुगर वुगर किसी? ब्लड प्रेशर आई थिंक. शुगर? एमलोपिन. नो. शुगर का कोई और कोई तकलीफ? अच्छा, एनी सर्जरी? आई हैव अंडरगॉन हिस्टेरेक्टॉमी. अच्छा अच्छा, उसके हिसाब से भी मतलब वीक होते हैं. तो अभी एक जौ की रोटी शुरू करो. जौ? जौ, बार्ली की रोटी. उसका आटा रेडीमेड मिलता है. कड़क कड़क रहेगी उससे आपका मसल्स काफी आ जाएगा और स्टमक का वेट कम हो जाएगा. स्टमक का वेट में ऐसा ऊपर भी करती हूँ? ऊपर से नहीं आएगा, आपको सीधा सोने का है और पैर ऐसे रखने का है, ऐसे जैसा इधर जगह नहीं है, ये जो फ्लैट है, दो चेयर आप ऐसे रखे, इसके ऊपर सो गया, पैर ऐसा रखा तो स्टमक का मसल्स आता है. फ्लैट पैर नीचे होना चाहिए ऐसे. ये भाग नीचे होना चाहिए तो स्टमक जाएगा. और उसके टाइम पे हाथ ऐसा ऊपर होना चाहिए. और इधर यहाँ कुर्सी आई नहीं, नहीं तो मैं बता ये मेरा, ये नहीं, ये चेयर नहीं चाहिए ना, फ्लैट चेयर चाहिए. फ्लैट चेयर चाहिए, ये हैंडल वाली है. फ्लैट चेयर है? हाँ, आइए बैठिए, मैं आपको देता. चलो थोड़ा थोड़ा, हाँ अभी थोड़ा आगे चलो, रखो पैर. इनको बता, सादा एक्सरसाइज बता, सिंपल. नहीं नहीं, ऐसे ऐसे खड़े. हाँ हाँ, पैर रखो ना, एक उधर रखो ना, हरकत नहीं, सामने सामने. नहीं नहीं, इधर खड़ा करो, ऐसा इधर रखो ना इनको पैर, ये उनका इधर रखो. अप डाउन कराओ ना पैर. हाँ, आप उधर खड़े हो जाइए. हाँ, एक हाँ, थोड़ा बेंड हो जाइए. हाँ जी, पैर ऐसा रखना है. बताइए, सूज निकाल दी आपका? सूज निकाल दी? मैं कैसे खड़ा? ये देखिए, आप पहले उनको देखिए कैसे खड़े हैं. खड़े? हाँ, रखिए सपोर्ट लेके. हाँ, खड़ी, अप डाउन कराइए 15-15 बार कराओ. मैं बोलता हूँ, पैर रखिए पहले ऊपर. दूसरा पैर रखो. इधर बाजू खड़े हो जाओ तुम. आप इधर बाजू खड़े हो जाओ. हाँ, वो कोने में, ये कोने में खड़े हो जाओ. हाँ, रखो दूसरा. नहीं नहीं, वो अपने आप आ जाएगा. यहाँ से नीचे से पुल हो रहा है ना, खींच रहा है ना. रखो ऐसा, नीचे से खींच रहा है ना. हाँ, बस दूसरा पैर. One,
થોડા બેન્ડ થોડોક બેન્ડ હા ઇસ બાર મે તો નો લિમિટ હૈ સ્ટમક ટાઈટ કરના હૈ પહેલે તો ઢીલા તો કરો ફર્સ્ટ ટાઈમ હૈ હે યાસે આપકા સર્ક્યુલેશન બંધ હૈ યે જીતના ઉપર કરતે જાયેગા ઇતના યહાં તક ઉપર આ જાના ચાહિયે ઇતના યે લેવલ હો જાયેગા તો પેર સીધા હો જાયેગા દર્દ 80% કમ હો જાયેગા અચ્છા વેરી ગુડ યે ખીચ રહા હૈ ના પુલ હો રહા હૈ ના યે યે સબ ઢીલે હૈ યે કુછ હૈ નહીં ઇસમે પકડ નહીં સકતા હૈ યે કુછ ભી નહીં હૈ યે દેખિયે સુબહ દુપહર શામ આપ ચાહો તો 3 મહિને કે બાદ મે બેલી પૂરી ચલી જાયેગી ખાલી જવ કી રોટી ખાને કા હૈ મેરે કો 3 મહિના લગા યે સબ ખાને ખાઉ કી રોટી મેરે સે નહીં હોગી મેરે કો જો જો અંદર જવ કી નહીં હોગી મેરે કો કુછ એક્સરસાઇઝ ખાયે તો ચલેગા લેકિન જવ કી રોટી માય ગોડ ખા કે તો દેખિયે ના ઇતની મીઠી શાયદ ઉસકી ટેસ્ટ પસંદ આયેગી અરે ઇતની મીઠી લગેગી કે આપ બોલેંગે કે બાકી સબ અનાજ મે કોઈ મજા હી નહીં હૈ ખાને મે આપ યે કરિયે કરિયે મેડમ 17 18 19 20 21 22 23 24 આપ કોણ સે ભગવાન કો ફોલો કરતે હૈ અલ્લાહ અલ્લાહ તો અલ્લાહ અલ્લાહ અલી અલી બોલતે જાઓ 30 ટાઈમ ટાઈમ ભી કટ જાયેગા અલી કા નામ ભી ભગવાન કા નામ ભી હો જાયેગા નહીં કે વો માલૂમ નહીં પડા કે 30 હુઆ નહીં નહીં અલી 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 બોલતે જાઓ ના અલી સ્ટોપ કરતે તભી સ્ટોપ બોલને કા મતલબ કે યે ઓલ્ટરનેટ કિતના 15 કર રહે ઉસે મસલ્સ ઓર ડિલે હોતે જા રહે આપ જો એક્સરસાઇઝ જો કર રહે હૈ ઉસે ડિલે હોતે જા રહે હૈ એ ટાઇટ કરને કા હૈ મસલ્સ થિયરી અભી દેખો ચલ કે કમર હા બાકી જીતને ભી દેંગે ઇસકા યે કોઈ લેના દેના નહીં હૈ યે એક્સરસાઇઝ જો કર રહે હૈ યે જીતના બેન્ડ હોવે સમજ ગયે સમજ ગયે ઇતના એન્કોરેજ ચલ અભી મે કહે રહા થા ચલ પર બોલ કે બ્લેક એજા લગા અભી મેરે કો એ સ્પાઇનલ કોર્ડ હૈ ઉસ બાજુ મે યે જો મસાજ જૈસા કિયા હૈ તો સ્પાઇનલ કોર્ડ કો ભી મસાજ હુઆ ઓર સાઇડ કા રિબ્સ હૈ યે ભી કિતના આરામ મિલ રહા હૈ
बहुत ज्यादा मेरे को आराम लगा है। तो ये जो घुटना है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से पीछे का एक खाली लेबर जो रहता है खेत मजदूरी उसी को ही खाली वपरास होता है, बाकी का किसी का होता ही नहीं लेबर काम करने वाला। तो इसका मतलब ये ही है कि जितनी भी आप थियरी करना चाहो कर लो, एक बात ध्यान से सुनिए, शरीर तंदुरुस्त वही आदमी रख सकता है जो लेबर है। दूसरा, शरीर तंदुरुस्त वही रख सकता है जो भगवान के सरेंडर हो जाता है, साथ में रहता है। जितना आदमी अनाड़ी इतना भगवान को काम करना पड़ता है, जितना आदमी होशियार इतना शैतान काम करता है। ओवर लॉजिकल हो गया। क्यों? कि देखो अभी आपने दो एक 10-12 दिन पहले बंदर ने, सबने देखा होगा दूसरे बंदर को कैसे बचा के लेके गया। इट्स ओनली फॉर ईश्वर, ईश्वर। अभी उसको तो कोई मेडिकल का ज्ञान नहीं था ना बंदर को, तो ईश्वर ना कैसे उसको आइडिया देते गया, इधर छाड़ छोड़ इधर कर वो कर। उसने कोई मेडिकल का कोई टेक्स्ट बुक तो नहीं आई 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 कोई टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ा था ना बंदर ने। तो मेरा कहने का मतलब क्या होता है कि ईश्वर बोले तो क्या है, किसी को खराब मत लगाइएगा, पर ईश्वर बोले तो क्या है, अनाड़ी लोगों के साथ ईश्वर चलता है और जितने भी पढ़े लिखे हम लोग सब लोग हैं होशियार हैं इनके साथ ईश्वर नहीं चलता है, शैतान जाता है। तो अभी ईश्वर जहाँ है वहाँ सुख ही सुख है, और जहाँ शैतान है वहाँ दुख ही दुख है। हम लोग समझते हैं कि भगवान का नाम लेते हैं तो ईश्वर है, नहीं। मैंने आपको बंदर का एग्जाम्पल इसके लिए दिया कि वो पूरी डेथ ही था, न इंजेक्शन मारा कुछ भी नहीं, अनकॉन्शियस हो गया था, कैसे कॉन्शियस लाया आपने आप ही, कैसा वो पटाक पटाक कर रहा था, उठा रहा था, ये कर रहा था, देखे ना आपने, सब लोगों ने टीवी पे देख लिया, उल्टा किया इधर किया, पानी में डाला, लाते मारा, पर लेके आया कि नहीं, बचा के गया कि नहीं, सब लोगों ने देखा ना। तो दिस इज द फॉर ईश्वर। तो हम लोग ईश्वर जो बोलते हैं इसको बोलते हैं। सब लोग बोलते हैं कि अभी मंदिर में ईश्वर नहीं है, कोई बोलता है मस्जिद में अल्लाह नहीं है, ये नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोचने की थियरी है। ईश्वर एक ऐसी चीज है जैसे हवा को आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, तो ईश्वर भी तो एक ऐसी चीज है, आप कोई देख नहीं सकते हो उसको महसूस कर सकते हो। तो सब लोग सुबह उठ के अभी वो बड़ा दिन आएगा तो सिद्धि विलायक में लाइन में खड़े होंगे, अंगारकी के दिन कभी महालक्ष्मी खड़े होंगे, ये होंगे। तो कई लोगों को लगता है और बोलता है कि हे देवा तू माझी तबियत चांगली ठेव आणि खिसा चांगला ठेव। तबियत चांगली ठेव खिसा खाली करू नको। नहीं नहीं नहीं, खिसे चांगले ठेव आणि तबियत ठेव। तो वो क्या बोलता है भगवान, तथास्तु बोल देता है, चलना अभी लाइन में आगे चलना। तो हेल्थ एक ऐसा चीज है जिसको आपको चाहिए इतना 100 ईयर तक में, आपको जैसे चाहिए हेल्थ रखने का है। तो जैसा आप भगवान के नाम के ऊपर के फलाने ये भाग्य मिलेगा, तो 4 बजे उठ के ठंडे पानी से भी स्नान करके चले जाते हैं, जैसा अभी किसी बाबा ने बोल दिया 4 बजे सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा के शिव जी की भक्ति एक बार तो तेरे को लॉटरी में लगेगी। आप कैसे अंधे होके जाते हो, लगी कि नहीं लगी, नहीं लगी और बाबा को बोला तो तेरे को ये मंत्र ऐसे बोला था पहले पढ़ने का, तू बोला नहीं, क्लियरिटी नहीं है, ये नहीं है। तो ये हेल्थ ऐसा है, जैसा उठा बराबर पहले थोड़ा सा चाय पानी पी लिया इसके बाद, और बाद में आस्ते आस्ते पहले वार्म अप की एक्सरसाइज करो, मीन्स थोड़ा सा चलो तो बॉडी ढीला होते जाएगा, आस्ते आस्ते हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग सब लोग हैं। और ये जो मैं अभी एक्सरसाइज बता रहा हूँ घुटनों की, ये तो आप चाय का कप पी के गए पीने के साथ कर सकते हो। इनको जो बताया अभी ऐसे से खुद भी कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो आपको तो जरूर नहीं, नहीं इनका जरूर तो क्या नहीं है, लेकिन एज ए कर सकते हो। आइए आइए, अभी इनको मैं देता हूँ, आइए रखिए, रखिए आओ।
अभी जाओ सुन नाम दबारो बोरी बोरी अभी क्या ने वाला जी जी कई बिल्डिंग जी कई बिल्डिंग शेरियर बाग रखो ऑल कॉस्ट में है करूं पग रखो हम पैर रखिए आ चलो थाओ बैंड थोड़ा आस्ते आस्ते बैंड थाओ अभी इनका मैं इलेक फ्री कर रहा हूँ रखो बीच में कौन बोला था प्रॉब्लम है मैं मसाजिंग द स्पाइन विद द हैंड नहीं वो ये लोग आप लोग मसाज बोलते हो और अभी मेरे पास दूसरी कोई चीज नहीं है उसकी नाउस कहाँ से दब रही है वो मैं फ्री कर रहा हूँ चलो पीछे लगता है पकड़ो हाँ आने पकड़ दीजिए ध्यान नहीं दे हाँ हाँ बीजू आता हाँ वाड़ो जरा बस बस बहुत वधारे नहीं चलो थोड़ो को वाड़ जो हाँ आखो बीजू ये मैं जो अभी इनको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ इससे ये अभी ये बोल देंगे कि मुझे कितना है फर्क हुआ पर फिर रिटर्न भी आ जाएगा तो उनका कारण है उसका मसल्स में ताकत नहीं है अभी मैं टेम्पररी इनको ताकत ला के देता हूँ एक बात समझो ना एक बात ध्यान से सुन लीजिए अगर ये मेरी चीज आपको ब्रेन में घुस गई तो समझना आपसे से कोई अच्छा नहीं जितना डॉक्टर्स है वो खाली मैकेनिक है जितने क्लिनिक चलते हैं वो गैरेज है और आप मर्सिडीज या रोल्स रॉयल समझ में आया कि नहीं आया बीचो भाग आफ्टर 50-60 के बाद गाड़ी रोल्स रॉयल ही हो जाती है तो ये रिपेयरिंग कराते रहो एक्सरसाइज करने से स्टिफनेस जाएगा ऑक्सीजन मिलेगा देखिए ये अभी ये आप कर रहे हैं अभी तो ये कुछ दूसरा कोई करने वाला है तो उसके लिए गैरेज है ना तो गैरेज है ना सब महंगा रहता है गैरेज रोल्स रॉयल के लिए महंगा नहीं रहता है कुछ आप एक्सरसाइज करेंगे उससे मसल को टोनिंग मिलेगा ऑक्सीजन मैंने आपको फियर थोड़ी बोली है आप अभी इन्होंने बोला ना एक्सरसाइज करिए एक हफ्ते बाद रखो आएंगे तभी आपका एक्सपीरियंस बताएंगे हां हां डेफिनेटली आई डू इट लेकिन रिलीजियसली एक्सरसाइज करना रोज 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 मिनिमम पकड़ा नहीं तो एक दो बार करके छोड़ देना नहीं खाली आपको झुकने का वही खाली पैर रखने का बाकी कुछ देखो कितना फर्क हुआ चलो केम लागे हो कैसा मच बेटर थैंक यू नहीं करना अभी नहीं नहीं अभी देखो मैकेनिक का ट्राई देखो आपकी गाड़ी स्टार्ट करके देता हूँ हाँ बैठो आपको स्टार्ट करके देता हूँ गाड़ी उसके बाद क्या है भागने का नहीं रोल्स रॉयल लेना चलो चलो तो मैं भी घर में ये हाँ क्यों नहीं क्यों ये पीछे का तो नहीं होगा नहीं नहीं आगे का तो होएगा ना आगे का करो दूसरा यहाँ में उल्टा सीधा कुछ नहीं है वैसा है वो नस दब रही है वो खींच रहा हूँ थोड़ा ही दब बैठा आप नहीं ऐसे आइए
ऐसे हाँ बैठो बैठो खाली छोड़ो पैर को छोड़ो सर्जरी नहीं है ना नहीं मैं ये भी करती हूँ अच्छा। फिर उंधा करते हैं। हाँ, वो सब बंद कर देना अभी जो सिखाया है वही कर खाली एक ही में बोलो ना ये पहले टाइट करो उसके बाद सबकी दूसरी है ये खड़े रह के हाँ दिन में 3 बार करना सुबह दोपहर शाम ओ 3 बार है भगवान का नाम कितना बार ले रहे हैं 5 नमाज है तुम्हारे में तो 5 बार काम लो ना यही सारी ईश्वर समझो नमाज पढ़ने से पहले 15 मिनट ये कर लो या नमाज पढ़ने के बाद 15 मिनट पे पहले लिमिट मत रखिए 3 बार बोले 3 बार कीजिए हाँ हाँ तो दूसरा पैर नहीं वैसे रखो ये ओपन कर रहा हूँ मसल्स जो स्टीप हो गए हैं जितने अच्छा ये साइड के हाँ तो स्टीप हो गया उसको लूज कर रहा हूँ तो मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी जैसे आएगी अभी वो चलेंगे अच्छा तो सिंपल थियरी बता के देता हूँ कि किसी भी केस में कोई भी दर्द जैसे अभी गया वैसे आप मसल्स टाइट करके रखा तो परमानेंट भी क्योर है अभी मैं टेम्पररी आपको बता के देता हूँ यही आप थोड़ा ड्यूरेशन लगेगा 3-4 महीने 4 महीने में आप परमानेंट क्यों हो रहे अभी आपके ऊपर है मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि सर्जरी अवॉइड करो नहीं नहीं सब लोग बोलते हैं ऐसा सर्जरी मस्ट बी नहीं अभी सब लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि इसमें इतना दुखी होना उससे अच्छा निकल ऑक्सीजन पहुंचेगा मसल टोन इंप्रूव होगा सर्कुलेशन बढ़ेगा फिर एक्सरसाइज विल सपोर्ट व्हाट इज डन बट एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वापस स्क्वायर वन पे आ जाएगा इट इज 10 इयर्स ओल्ड एंड शी इज हैविंग रिलीफ सो इट इज अ लॉट ऑफ क्रेडिट यस थैंक यू सो मच मैं अभी आपको बता के देता हूँ कि ट्रीटमेंट कितना वर्क किया क्या किया ऐसे बैठने का हैंडल वाली चेयर पे नहीं बैठना विदाउट हैंडल वाली चेयर पैर जितना हो सके इतना खुला करके बैठो है अभी चलो एक पैर रखो नीचे दबाओ दोनों पैर दबाओ आगे आओ थोड़ा सा बस बैठो आप थोड़ा आगे आके करो बैठ जाओ हाँ नहीं नहीं आप आगे आओ कुर्सी को आगे मत रखो थोड़ा इधर आइए और आगे बैठिए आगे बैठिए आगे आगे एज में ओ ओ चेयर के एज पे बस थोड़ा पीछे जाइए थोड़ा सा बस हाँ चलो चाली ने बताओ कितना फर्क आया कितना Mr. Zaver Motta worked on my feet, both my legs, and he really tried very hard. Oh, sorry. And he tried really very hard to improve both my knees. And I definitely feel the difference now in my knees, at least 80%. So I must say a big thank you to him. अभी ये जो और किसी को भी आने का है तो एक्सरसाइज के लिए आ सकते हैं बताने का है तो मैं बताऊं फ्री करके दूं आप छोड़ और कोई आने का है किसी को मुझे तकलीफ तो नहीं है लेकिन आज आइए
क्या होता है बोलो Nothing, I'd like to see the spine treatment. The effect of spine treatment, abhi kya hota hai spine mein aapko? Nothing, only in the front, there's a lot of pain. Yahan pain hai na? Ye? No, this. Bas? Bas? Utaro chappal. Lo, chappal utar ke baitho, aaram se. Lo, abhi nikal dete. Sugar hai? Yeah. Kitna? Normal. Insulin lete ho ke medicine? कितने साल से डॉक्टर को बताया नहीं बताया किसको नहीं कुछ बोला किसी ने कुछ नहीं बोला आई डू बाय द आई डू द एक्सरसाइज व्हाट उससे फर्क नहीं गिरता है आई डोंट नो दिस एक्युमुलेशन हियर नहीं नहीं वो एक्सरसाइज से फर्क क्या सी एक्सरसाइज दैट हैज हैपेंड एक्सीडेंट हुआ था मेजर स्कूटर की वजह से लगते कितना टाइम पहले दो साल पहले एक्सीडेंट हुआ था दो साल पहले अच्छा उसके बाद में यहाँ इतने में दर्द देखा दिस पोर्शन बस लो एक चेयर नहीं आप बैठो आप एक चेयर पे आइए चप्पल उतार दी दोनों निकाल लीजिए वो रेंडो मोजा रेंडो ये पैर है ना आप तो एक के ऊपर एक फ्री ले रहे हो पता नहीं क्या है आजकल वही जमाना है तो एक के ऊपर एक फ्री ले रहे हो ये मीडियल रोटेशन कर रहे हैं जिससे सर्कुलेशन इंप्रूव होना चाहिए टेंस जो टाइट हो गए स्टिफनेस है आर्टरीज वेन्स में उसे सर्कुलेशन इंप्रूव होगा ये मीडियल रोटेशन लैटरल रोटेशन नहीं कर सकते कि उसको मदद चाहिए अरे कर सकते हैं उसकी बीबी कर सकती है बैठी रहती है बीबी को होता है उसका हस्बैंड कर सकते हैं दोनों है ना इसमें करने की चीज बहुत इम्पोर्टेंट है आप भी लीजिए सर एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि जिस एंगल में पैर अच्छा लगता है उस हिसाब से रख लिया हमने तो क्या हो गया कि पीछे का जो रोटेशन जो होना चाहिए सर्कुलेशन का वो बंद हो गया इसके लिए आया निकाल में तो घुटने का दर्द कैसे आता है कमर का आता कैसा है इधर दर्द होता है तो आदमी इतना ही करके आस्ते आस्ते टेढ़े हो जाते हो उस स्टाइल में हो जाते हैं हाँ नहीं मतलब वो पेन कम करने के लिए फिर वो दूसरे स्टाइल में जैसा कई सारे मुझे इधर पेन इतना पेन लेके आते हैं इतना ही पेन कितना इधर हाथ ऐसे करता हूँ बोलता है पेन होता है ऐसा इतना तो कुछ नहीं बोलते हैं क्यों हैंडल वाली चेयर पर बैठते बोलते हैं हाँ बस दोनों हैंडल निकाल दो आप फिर महीने दिन में आने का जैसे महीने दिन में आते हैं पूछते कितना डॉक्टर 80% बेटर तो बोलता है इतने सारे कोई कोई बोलता है टेनिस ऑल्बो है कोई ये है तो हमारी जो बैठने की जो उठने की जो लाइफस्टाइल है उससे नर्व स्पेस होती है जैसे 40 तक तो अपने आप ऑटोमेटिक जगह पे आ जाओगे तो उसके बाद आप नहीं आ सकते There are different type of manipulations being done at the toe. ये मैं Is it the same muscle manipulation type? Yeah, मैं आप ही कर देता हूँ मैं बोन सेटर हूँ पहले सबसे पहले फिर नेचुरोपैथ हूँ उसके साथ साथ फिटनेस ट्रेनर हूँ और सबसे बड़ी बात कि मैं
हमारे में बोन को कैसे रिलैक्स किया जाए, ये देखो। लेकिन किसको भी कुछ होगा जब वो बोन सेक्टर के पास नहीं जाएंगे? नहीं नहीं जाना भी नहीं चाहिए, इसके लिए मैं तो क्या है कि मेरी इतने साल की एज में इतना साल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे मिलता भी क्या है, पेशेंट कौन से मिलते हैं जब सब डॉक्टर सब लोग जो छोड़ देते हैं तड़ी पार हो जाते हैं। देसी भाषा में हमारी बॉम्बे की लैंग्वेज में तड़ी पार बोलते हैं, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता हो। वो भी क्रेडिटेबल है ना, मतलब जो बाकी डॉक्टर को नहीं हुआ वो आप करते हैं। उसमें देखो पैरालिसिस के बाद में पैर जिसका नहीं उठ रहा है वो सबसे। अच्छा। फिर फुट ड्रॉप, थर्ड इज द यहाँ अमुक जगह पे बर्निंग सेंसेशन होता है जो मेडिकल लाइन वाइज सब लोग हार गए। और कई ऐसे हैं कि पैराप्लेजिया में जिसका संडास बाथरूम का सेंसेशन नहीं आता है आफ्टर सर्जरी के बाद, वो फिर सर्जरी के से पहले वाला है वो उसका तो 100% गारंटी दे रहते हैं, पर सर्जरी के बाद वाले का जरा की रहता है। फिर जिसकी बैलेंस नहीं रहती हो, तो मेरे पास जो एंट्री होने वाले जो पेशेंट है उसकी एज 60 के ऊपर ही है, और आज इतने सालों से जो कर रहा हूँ वही लोग मुझे मिलते हैं, बाकी नहीं। जो कितना फर्क पड़ा, चलो आया एक मिनट, एक दो मिनट आप बंद मत कीजिए, मैं अभी ये पटा लेता हूँ, दीजिए दूसरा, अभी पटा लेता बोन सेटर के नाव खराब हो गया है कि नहीं? खाली बोन सेटर दिखते ही नहीं किधर भी। अभी दिखेगा क्या? अभी आते कोई नहीं है तो आप बोलते कोई आने को तैयार नहीं तो कैसे दिखेगा? अभी आते नहीं है लोग, डॉक्टर एलोपैथी के सारे हैं ना उसके। नहीं वो अभी बाप दादा की चल रही है, बोले चल रही है, बाकी नया तो कोई प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता। अभी मैं भी लेप मारने को बैठूं तो मेरे भी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। देखो दोनों, हाँ आराम से आगे बैठे, थोड़ा सा जरा सा हाथ ऐसे रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स टोटल। वेरी लाइट ना द फूड। नहीं नहीं मुझे कितना साल बोलो जरा तो दूसरे लोगों को पहला होएगा। बोन सेटर बोलते हैं ना, हाँ तो ये बोन सेटर का कमाल। पहले क्या तकलीफ थी और अभी क्या हो? तो बोलो तो लोग दूसरा कोई भला होएगा ना कि बोन सेटर क्या होता है? The pain which was there is gone totally, now it's totally relaxed. जोर से जरा। Totally relaxed. तो ये जो बोन सेटिंग का ही काम है, जब तक बोन जगह के ऊपर दो बोन परफेक्ट नहीं आते एंगल में तब तक पेन नहीं जाता। तो ऐसा है ना कि बोन सेटर भी कंपलसरी है इसमें, बोन आपको जगह के ऊपर बिठाना चाहिए और उससे पहले आपको फ्री करने को आना चाहिए। तो इसमें पहले फ्री किया उसके बाद में बोन जगह पर बिठा। अभी इसका एक्सरसाइज कुछ फॉलो अप करना, और एक्सरसाइज खाली पैर ऊंचा रखने का जो अभी बताए आप कर रहे हैं, आप करते नहीं हो? हाँ, करते और ज्यादा रिलैक्स होएगा। देखो हाँ ठीक है सर, और एक मिनट आपको
अगर इसी में से किसी को भी कोई भी तकलीफ होए, आगे जो ये जो देख रहे हैं आपको, किसी को भी अभी आप जो महिला मंडल हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, बड़े हैं, ग्रुप्स हैं, अगर किसी को भी सेमिनार करना हो तो आई एम अवेलेबल बॉम्बे में। फिर ये जो यूट्यूब के ऊपर जो देखने वाले हैं, उनमें से किसी को भी कोई जात की तकलीफ है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और उसके साथ में मेरे ईमेल आईडी है, उसके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इसके साथ में पैरालिसिस है, कोई भी चीज़, कितनी भी नर्व्स की जो आपकी बीमारियां है, जो आप पूरे जगह से ख़त्म हो गए हो, आपने टोटल फेडअप होके आशा छोड़ दी है, उसको ही बोलते हैं कि वेलकम। और इसमें ये सारी थियरी में आपको मेरे पास कंटिन्यू आने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 महीना में मुश्किल से एक ही बार मैं लगता हूँ, देखता हूँ। मेरे पास कई आउटसाइड के, बॉम्बे के बाहर से पेशेंट आते हैं, पुणे से, इधर से, तो महीने में मुश्किल से एक ही बार बुलाता हूँ। तो आप 3-4 बार में टोटल फ्री हो जाते हो। पर एक ही है इसके अंदर कि जितनी आप मेहनत करोगे इतना जल्दी रिजल्ट पाओगे। तो थैंक यू टू हेल्प लाइब्रेरी जो मुझे आपने मौका दिया। आपके थैंक्स टू एवरीवन जो इतने सारे आप लोग आए, सुने, सब कुछ किया एंड